पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी ये जादू सिर्फ अदानी जी के लिए थे। नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6 हवाई अड्डों को प्राइवेटाइज करने के प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। फरवरी 2019 में सरकार के नजदीकी अडानी समूह को पीपीपी मॉडल के तहत लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, अहमदाबाद, मैंगलोर और गुवाहाटी में 6 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये खबर ध्यान देने वाली इसलिए है क्योंकि अडानी समूह के पास हवाई अड्डों के संचालन या प्रबंधन का कोई पिछला अनुभव था ही नहीं। ये कहानी मित्र काल के कब्जे राज की है। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस फोर्सेस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह भारत सरकार पर कब्जा। पार्लियामेंट हाउस में मैंने सच्चाई बोली, नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है उसके बारे में सबूत देकर मैंने सच्चाई, ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। मेरे रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए गए। ये देखिए रिश्ता, माने सर पोस्टर प्लीज, पोस्टर नहीं, फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं। इसके बारे में मीडिया में कुछ नहीं आया, मीडिया ने कुछ नहीं बोला और जो सवाल मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछे, सबूत देकर पूछे, उनका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया। एयरपोर्ट उद्योग इस देश का सनराइज इंडस्ट्री है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। देश के हवाई अड्डों पर नियंत्रण का अर्थ है देश के संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण। ये है एयरपोर्ट्स का अदानी द्वारा असली कब्जा। यूपीए सरकार के लिए हवाई अड्डों के निजीकरण का विचार उनके बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए निजी निवेश लाना था, जिससे यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव मिले। मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रो बिजनेस हूं, मगर मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं और मैं जादू के खिलाफ हूं। कौन सा जादू? 609 से 2 का जादू, 4 से 14 का जादू, 0 से 6 का जादू। वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये प्रधानमंत्री के फेवरेट मित्र पर लागू नहीं होता। उन्हें जमीन, समुद्र, आसमां सब कुछ है मिलता। एक व्यक्ति जिसने एयरपोर्ट कभी नहीं चलाया, जो एयरपोर्ट बिजनेस को समझता ही नहीं है, उसको हिंदुस्तान के सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट पकड़ा दिए गए। सरकार झुक गई और अडानी समूह के पक्ष में नियम बदल दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने से पहले और बोली लगाने के बाद हवाई अड्डा क्षेत्र में पूर्व अनुभव की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया। दूसरा सवाल, एक ही व्यक्ति को 6 एयरपोर्ट्स क्यों दिए गए? नियम था कि एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 2 एयरपोर्ट दिए जाए। ये 6 हवाई अड्डा विकास परियोजनाएं हाईली कैपिटल इंटेंसिव हैं और इसमें प्रोजेक्ट फेलियर्स होने की संभावनाएं भी हैं, और यदि कोई परियोजना विफल होती है तो विफल परियोजनाओं को लेने के लिए अन्य सक्षम बोलीदाता उपलब्ध होने चाहिए। एक और सवाल, जब यह निर्णय लिया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन, फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग सब ने ऑब्जेक्ट किया और कहा कि यह निर्णय गलत है। इनके ऑब्जेक्शन को किसने ओवरटर्न किया और क्यों? जो कंसेशन 30 साल का था उसे 50 साल का क्यों किया गया? और जो रेवेन्यू मॉडल था उसको क्यों बदला और किसने बदला? आखिरी जादू, मुंबई एयरपोर्ट, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स की सोने की चिड़िया। मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटर पर एजेंसीज का दबाव, सीबीआई, ईडी, और जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट्स के ऑपरेटर अदानी जी को एयरपोर्ट ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही एजेंसीज उनको क्लीन चिट दे देती। मैंने ये सारे मुद्दे उठाए और ये सुनिए नरेंद्र मोदी जी का जवाब। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। प्रधानमंत्री जी ने शायद दुष्यंत जी
कि कविता की अगली दो पंक्तियां नहीं पढ़ी। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। सच्चाई बोलना, सच्चाई का सामना करना हमारे देश की हिस्ट्री, हमारे देश का इतिहास है।